हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज रेशम क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है और नेसेसरी भी है, यानी आपको इसकी खबर रखना और इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि 2018 का जो दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, यानी जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, जो दिसंबर के सेशन वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम यानी जो कि जनवरी सेशन वाले और जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ, जून वाले सेशन के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है इग्नू में, ये हम सबको पता है। 2 बार एग्ज़ामिनेशन होता है दोनों साल के, दोनों सेमेस्टर के, यानी दोनों टर्म एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे MSO 01 के समाजशास्त्र सिद्धांत और संकल्पना के 2018 का क्वेश्चन पेपर। ये हमारे फर्स्ट ईयर का है। जी हाँ, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन के लिए है। और चलिए आपको बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चन आपने अभी तक कर लिए हैं और कौन सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको सबसे पहले मैं इंट्रो करवा देती हूँ कि हमें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके साथ आपको पता है 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और हर एक पार्ट से, यानी पार्ट वन और पार्ट टू, आपको दोनों से कम आपको दो दो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट जरूर करना है। आपको टेस्ट दोनों पार्ट को आपको क्वेश्चन को टच जरूर करना है फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ एक ही पार्ट से पूरे क्वेश्चन को लिख देते हो, 5 क्वेश्चन को, तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सबसे पहले नोट को पढ़िए जो क्वेश्चन पेपर पे रहता है, उसे समझिए। और इसीलिए मैं हर एक वीडियो में पहले इसका डिस्कशन कर देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। सॉरी, ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दे देती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर कौन से क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और आपने अभी तक इसमें से कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा MSO 01 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराडाइम से आप क्या समझते हैं। पैराडाइम क्या है और पैराडाइम से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विश्लेषण में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। सामाजिक विश्लेषण में इसके क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सिद्धांतों की उत्पत्ति से जुड़े सामाजिक संदर्भों की चर्चा कीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा रेडक्लिफ ब्राउन कौन थे, उनके योगदान वर्णन सामाजिक संरचना के अध्ययन के संबंध में कीजिए। तो उनका संरचना के संबंध में उसका अध्ययन हमें करना है। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो मैंने कहा था कि, और बहुत सारे मैंने MSO 01 के हर एक टॉपिक के बारे में मैंने स्टडी मटेरियल तक के सारे नोट्स आपको बताए हैं। जी हाँ, हर एक चीज़ के बारे में तो मैंने इस पर बताया है। और क्वेश्चन ज़रा सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है बेबर, मार्क्स, ल्यूकस, गिड्डन, फूको, इन सारे जो समाजशास्त्री हैं ना, इसकी समाजशास्त्रियों की व्याख्याओं पे, यानी इन्होंने क्या व्याख्या की थी और आधार पर सत्ता शक्ति की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट की का हमें डिस्कशन करना है, वर्णन करना है। तो आपको पता चल गया, मैं इसलिए बोलती थी, रेडक्लिफ के बारे में भी मैंने बताया हुआ है और उसके साथ मैंने इन सब के बारे में भी बताया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो वैधता क्या है। आप अगर मेरी वीडियोस पे कंटिन्यू हो, आप मेरे चैनल पे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वैधता क्या है। मैंने इसके बारे में भी नोट्स बनाया हूँ और स्पेशली टैगलाइन के साथ कि वैधता क्या है, आप इसे क्या समझते हैं, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन। तो आप जाके उस वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। वैधता के आधार पर विविध समाजशास्त्र व्याख्याओं की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, वैधता क्या है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर छः है कि संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, इसकी विविध विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो संप्रभुता क्या है, ठीक है, संप्रभुता यानी सबका समान अधिकार। संप्रभुता का मतलब होता है यानी सब जितने भी नागरिक है, जितने भी लोग हैं, सबका समान अधिकार है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नहीं, सबका अधिकार एक समान है और इसी को संप्रभुता कहा गया है। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिक
सिविल समाज के महत्व, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि लोकतंत्र में नागरिक सिविल समाज के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है, इस पे भी मैंने अपलोड किया हुआ वीडियो और उसी से ये सारे क्वेश्चन बने हैं कि नागरिकता क्या है, इसके महत्व की चर्चा कीजिए, आखिर समाज में इसका क्या महत्व है इसके बारे में। उसका अगला क्वेश्चन हमारा निर्जातीयता से। देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है ये क्वेश्चन आया था जून सेशन वाले 2019 का जो एग्जामिनेशन था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निर्जातीयता के अध्ययन के संबंध में कारणवाद संबंधी दृष्टिकोण की महत्वता की जांच कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह कि भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित विविध सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था से संबंधित जो भी अध्ययन थे कि जाति व्यवस्था क्या है, एक्चुअली पता है एमएसयू की ये खास बात है कि जो आप अगर MSO 1 अगर आप पढ़ रहे हो तो MSO 4 के भी क्वेश्चन उससे काफ़ी मिले जुले हैं, क्योंकि MSO 4 पे जाति के बारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है और MSO 4 में मैंने जाति क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स है, इस पे किसने क्या क्या कहा, क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इन सब के बारे में, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में भी बताया है। तो एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लो तो इसमें चाहे वो पेपर 1 में आ जाए, पेपर 2 में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो उससे आप लिख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है वो हमारा है प्रकृति एवं सामाजिक समानांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रकृति एवं सामाजिक असमानता में क्या अंतर है, उस पे अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जिसके भी आप हेल्प करना चाहते हैं प्लीज़ कर दीजिए इस चैनल को शेयर करके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, चाहे वो MSc 1st ईयर 2nd ईयर, MSD यानी हिंदी जिनका है, इंग्लिश है, सबके बारे में मेरे चैनल में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपने असाइनमेंट क्लियर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जाके प्ले लिस्ट पर चेक कीजिए मेरे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, प्लीज इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।